तो आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल रेसिपी। होली स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल होने वाली है और खाने भी मस्त है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 फ्लेवर का कैंडी, एक है कच्चा आम, एक है मैंगो और एक है ऑरेंज। तो उसको मैंने मेल्ट कर दिया और इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। फूड कलर इसीलिए क्योंकि उससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा, ब्राइट कलर आएगा इसीलिए। बाकी तो चलेगा, नहीं डालोगे तो भी। तो उसको थोड़ा मैंने गरम करके उसको मेल्ट किया है और गरम होना तभी उसके अंदर ही अगर अगर पाउडर डालना है और उसको फटाफट से मिक्स करना है। तो देखो मैं दोनों स्पून से साथ में ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि यह ठंडा हो जाएगा ना तो फिर अंदर मेल्ट नहीं होगा वो अगर अगर पाउडर। तो उसको मेल्ट करने में भी जल्दी करनी पड़ेगी और उसको ट्रे में ऐसे भरने के लिए भी जल्दी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये ट्रे था छोटे छोटे स्क्वायर क्यूब वाला, तो मैंने इसके अंदर ही जमाया। लेकिन देखो पोपट तो होना ही था, नहीं जमा। तो अभी क्या किया मैंने, फिर से सब निकाला ट्रे में से और फिर से थोड़ा सा गर्म किया और अगर अगर पाउडर थोड़ा और डाला और फिर सेट किया उसको। तो ये देखो अब की बार तो मस्त सेट हो गया, तो एकदम स्क्वायर क्यूब मस्त निकले। और ये देखो मेरे 3 कलर के जेली क्यूब बन के रेडी हो चुके। लेकिन वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी हम आगे और भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया स्प्राइट, स्प्राइट इसीलिए क्योंकि उसका कलर है ना ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसकी वजह से ये जो कलर वाला हम जो बाउल बना रहे हैं जेली बाउल, उसमें अच्छे से दिखेगा सब जेली का कलर। तो उसको मैंने स्प्राइट को भी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर अगर पाउडर उसमें भी डालना है। तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया और उसके अंदर 2-3 स्पून भर के अगर अगर पाउडर डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये मिक्स करने के बाद उसको मैं ये जो बाउल में मैंने जेली भरी है उसके अंदर मैं ये इसको डाल दूँगी और उसको भी हम सेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। फ्रिज में रखेंगे ना तो फटाफट सेट हो जाएगा, और बाहर रखोगे तो भी हो ही जाएगा लेकिन फ्रिज में फटाफट हो जाएगा। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है, ठीक है। तो अभी इसको निकालने के लिए पहले चाकू की हेल्प से उसका बॉर्डर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, और ऊपर से थोड़ा सा उसको थपथपाएंगे टैप करेंगे तो निकल जाएगा। तो जलेबी निकल गई दो, तो मैंने उसको उसकी जगह पे लगा दिया लेकिन हो गया है। देखो कितना मस्त ऐसे जली जैसा एकदम टेक्सचर आ गया है इसका, क्योंकि वो जली ही है कलरफुल जेली बाउल, तो इसका नाम हम यही देंगे कलरफुल जेली बाउल। तो ये होली स्पेशल रेसिपी हुई ना क्योंकि ये कलरफुल है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है जेली, तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये बनाया, ठीक है। तो चलो अभी इसको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा लगता है। तो ये देखो जेली एक दो गिर गई क्योंकि ये अंदर चिपक की नहीं है ना अच्छे से। आप क्या करना, अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करनी है तो पहले नीचे थोड़ा सा वो स्प्राइट वाला मैंने डाला था ना वो मिक्सचर, वो पहले डालो एंड उसके बाद उसके ऊपर ये जेली डालो तो अच्छे से सेट होगा। नीचे से भी ये जेली दिख रही है ना, ऐसे दिखेगा नहीं, एकदम मस्त पूरा एकदम राउंड शेप उसका आएगा। अब है टेस्टिंग की बारी, तो ये कृषा मैडम लेके बैठ गई हैं टेस्टिंग करने। और यहाँ पे देखो कुछ फनी होने वाला है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप ही देखो। तो यहाँ तो हमारी जेली खुद को हमारी ने बाहर निकली गई, समझ में आया आपको मैंने गुजराती में कुछ बोला। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने क्या बोला, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।